नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। सियासत में यूं तो अक्सर भाजपा और कांग्रेस में सियासी युद्ध चलता ही रहता है। कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती है और भाजपा कांग्रेस पर, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन अहम बात यह है कि अब तो कांग्रेस भी ये मानने लगी है कि भाजपा में वसुंधरा राजे से बड़ा कोई नेता नहीं। अब ये वसुंधरा राजे के लिए प्लस पॉइंट है या भाजपा के लिए माइनस पॉइंट, खैर जो भी हो, लेकिन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दो दिन पहले अपने अलवर दौरे के दौरान ये जो बात कही, उसके बाद भाजपा पर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल डोटासरा ने जो बातें कही वो भाजपा के साथ ही उसके नेताओं पर भी सवाल तो उठाती ही है। अब डोटासरा कहते हैं कि वे आरएसएस की कलई खोलते हैं और उनकी कारगुजारियों को उजागर करते हैं, इसलिए भाजपा और आरएसएस के लोग उनका विरोध करते हैं। वैसे भी जो नेता होता है विरोध उसी का होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वह केवल षड्यंत्र ही करते हैं। रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच के सवाल पर उन्होंने कहा कि मामले की जांच एसओजी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच से मना कर चुकी है, फिर भाजपा की मांग का औचित्य क्या है? भाजपा और आरएसएस का मकसद केवल प्रदेश का माहौल खराब करना है। जाहिर है बात और आरोप पूरी तरह सियासी है। अब आपको नाथी का बड़ा वाला वो वाकया भी याद तो होगा ही, जब कुछ लोगों ने डोटासरा के बंगले की दीवार पर नाथी का बाड़ा लिख दिया था और जिसके बाद राजस्थान और सूबे की सियासत में काफी बवाल मचा था। और अब इस मसले पर डोटासरा ने भी सीधे तौर पर कह दिया कि किसी की शांति भंग करना अच्छी बात है क्या? आरएसएस की संस्कृति यही संस्कृति है क्या? लेकिन आरएसएस की संस्कृति लोगों को आपस में हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने, बेईमानी करने की रही है। आरएसएस के नेता पर 20 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। मामला विचाराधीन है, इस पर वे लोग क्यों नहीं बोलते? अब केवल नाथी का बाड़ा ही क्या, आजकल तो ठठेरे की बिल्ली भी बहुत म्याऊं म्याऊं कर रही है। दरअसल जिस बिल्ली को पहले कोई पूछता नहीं था, आजकल तो वो भी काफी चर्चाओं में है। तो क्या कहा जाए, वार पर पलटवार। जनाब यही सियासत है जो इस वक्त राजस्थान में काफी हावी है। विधानसभा में भी जिस तरह वार और पलटवार की जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो भी मुकाम तक पहुंचते पहुंचते धुंधली हो जाती है, क्योंकि जिन सवालों का जवाब जनता जानना चाहती है वो जवाब सीधे तौर पर मिलते नहीं। विपक्ष मुद्दे उठाता है तो सरकार उस जैसा ही कोई पुराना मुद्दा सामने रख देती है, बस चलती रहती है सियासी पिक्चर। किरदार अलग अलग हो जाते हैं, कहानी चलती रहती है, लोग तमाशा देखते रहते हैं और जब एक शो पूरा हो जाता है तो फिर शुरू कर दी जाती है एक नई सियासी पिक्चर। लेकिन साहब यकीन मानिए, ये पब्लिक है, सब जानती है।